हेलो एवरीवन, मैं हूं क्रैकी एंड वेलकम टू ईस्पोर्ट्स इन 5। इस शो में हम नजर आने वाले हैं वर्ल्ड ऑफ ईस्पोर्ट्स में हो रही सारी चीजों के ऊपर इन जस्ट अंडर 5 मिनट्स। सो बिना किसी देरी के लेट्स गो। तेजस सावंत और राइट टू एस ने रेवेनिटी ईस्पोर्ट्स का वैलोरेंट रोस्टर ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले राइट टू एस वेलोसिटी गेमिंग का हिस्सा थे। अब राइट टू एस कौन है ये कौन नहीं जानता। Godlike Esports ने content creator 420 OP को साइन कर लिया है। इससे पहले 420 OP, Kevin Esports, 7C Esports, Team Xpark, Team IND और U-Mobile Esports जैसे ऑक्स का हिस्सा रह चुके हैं। Team Vitality ने अपने Codem Team Analyst और content creator Mong को कहा अलविदा। Mong ने 2021 में ज्वाइन किया था Vitality as an Esports आदमी और 2022 में उन्होंने Analyst का रोल अपनाया। Team Exo ने अपना Call of Duty Mobile roster अनाउंस किया है जिसमें शामिल हैं Mate, Luke, Adhiraj, Psycho और Zayn। दिसंबर में हुए ईस्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में Godlike Esports के जॉनथन मोबाइल ईस्पोर्ट्स प्लेयर ऑफ द ईयर की कैटेगरी में नॉमिनेट होने के बाद सेकंड स्पॉट जीता है। ये बात और भी इंप्रेसिव लगेगी इफ यू नो कि जॉनथन की एंट्री नॉमिनेशंस में लेट हुई थी बाय अ वाइल्ड कार्ड। कांग्रेचुलेशंस टू जॉनथन। टीम नोवा के पबजी मोबाइल एथलीट ऑर्डर ने ये अवार्ड जीता और लाउड के फ्री फायर एथलीट लॉस्ट आए थर्ड। इन्हीं ईस्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में मॉडल को नॉमिनेट किया गया था फॉर ईस्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर और उन्होंने भी अपनी कैटेगरी में सेकंड स्पॉट जीता। इस कैटेगरी के विनर थे 100 थीव्स के नेचर और तीसरे स्थान पे आए कंटेंट क्रिएटर और स्ट्रीमर मॉइस्ट क्रिटिकल। इनको देख और एक तू है, कैसे एंड किया तूने न्यू ईयर लास्ट वाला? तुझे क्यों बताऊं? सोया था ना बस, तेरे को किसी ने किधर बुलाया तो नहीं होगा? बुलाया तो था पर पता लगा कि फिर तेरे को भी इनवाइट किया है और हम ऐसी पार्टी में नहीं जाते। क्या बात कर रहे हैं, मेरे को तो किसी ने बुलाया नहीं किधर भी। एग्जैक्टली। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने ईस्पोर्ट्स को एज अ पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया और साथ अनाउंस किया कि ईस्पोर्ट्स अब मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के अंडर आएंगे। पबजी इंडिया के सीईओ और हेड इंडिया डिवीजन एट क्राफ्टन सीन यूनिल्सन ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट के इस मूव को प्रेज किया। उन्होंने कहा यह गवर्नमेंट के लिए एक पाथ ब्रेकिंग मूव है और हम सब डिलाइटेड हैं कि ईस्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट का रिकॉग्निशन मिला बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंडिया के ग्लोबल गेमिंग इकोसिस्टम में अपना मार्क बनाने के कमिटमेंट का टेस्टमेंट है। इस ऑफिशियली एक्नॉलेजमेंट से जॉब क्रिएशन, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएशन, यूथ को अपने पोटेंशियल रियलाइज करने के नए अवेन्यूज में बढ़ोतरी होगी। हमें ईस्पोर्ट्स को कंपेटिटिव गेमिंग के साथ इंटीग्रेट होते देखने का इंतजार रहेगा और एज क्राफ्टन हमें कॉन्फिडेंस है कि हम एक थ्राइविंग गेमिंग इकोसिस्टम इन इंडिया के विजन को आगे बढ़ाने में हमारा पार्ट खूब निभाएंगे। और इस चोर चोपर सीरीज में मॉर्टल, स्काउट, स्नैक्स और गोल्डी ने कंटेंट क्रिएटर्स की टीम कैप्टन की और वैलोरेंट में एक दूसरे के साथ कम्पीट किया। डे वन में ऑक्शंस हुए और टीम्स बनी। डे टू में राउंड रॉबिन मैचेस हुई। राउंड रॉबिन स्टेज के अंत पे टीम गोल्डी आई फर्स्ट फॉलोड बाय टीम मॉर्टल, टीम स्काउट और टीम स्नैक्स रेस्पेक्टिवली। फाइनल डे के मैचेस की शुरुआत हुई सेमीफाइनल शोडाउन से बिटवीन टीम गोल्डी एंड टीम स्नैक्स। टीम गोल्डी ने एक अर्ली लीड बनाई बट टीम स्नैक्स ने किया एक सुंदर कमबैक और वो जीत गए। अगली गेम टीम मॉर्टल और टीम स्काउट के बीच हुई जिसमें टीम मॉर्टल ने एक कंफर्टेबल विक्ट्री हासिल करी। बेस्ट ऑफ थ्री फाइनल्स हुई टीम स्नैक्स और टीम मॉर्टल के बीच जिसमें टीम मॉर्टल ने मैप वन जीत के मोमेंटम बनाया पर टीम स्नैक्स ने किया एक और कमबैक और जीत गए मैप टू। मॉर्टल की टीम ने तीसरा मैप जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। पिछले हफ्ते इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के दो महारथी स्काउट और मॉर्टल के बीच हुआ युद्ध इन वैलोरेंट और मॉर्टल और स्काउट की फन बैंटर से उत्पन्न हुई ये फुल फ्लेज मैच और हमारे लिए बन गई थी। इस बेस्ट ऑफ फाइव में टीम स्काउट में थे स्काउट, ज़ेरेफ, शेलॉक, मांबा और मिली और टीम मॉर्टल में थे मॉर्टल, रेबेल, अंकिता सी, कृतिका और गोल्डी। टीम स्काउट ने अपने सुंदर परफॉर्मेंस से पहले तीन मैच जीत लिए और 3-0 की स्कोर लाइन से ये क्लैश अपने नाम करी। देखने में तो मजा आया और हम भी बने इस फन का हिस्सा। एक झलक हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन पे। इसी के साथ ईस्पोर्ट्स इन 5 का ये एपिसोड यहीं पे होता है समाप्त। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। आया है देन मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉलो कर लीजिए पेंटा ईस्पोर्ट्स को सारे सोशल चैनल्स पे ताकि आपको मिले सबसे पहले अपडेट्स और साथ साथ हमें लोगों पर भी फॉलो कर लेना। हमारे प्लेटफॉर्म pentaesports.com को जरूर विजिट करो और अगर हमसे बातचीत करनी है तो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। अभी मैं जा रहा हूँ, मिलता हूँ आपको अगले हफ्ते। टिल देन गुड बाय।